हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन स्प्रिंग रोल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्राइंग पैन लिया है, इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म होने के बाद फिर मैं ऐड करूँगी लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। अब मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम प्याज। प्याज को हम क्यूब्स में कट कर लेंगे छोटे छोटे। फिर हम कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे, जैसे कैबेज, शिमला मिर्च और गाजर। इसे हम 10 मिनट तक भून लेंगे हाई फ्लेम पे। सॉरी गाइस, यहाँ मेरा कैमरा का क्वालिटी थोड़ा क्लियर नहीं है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें सोया सॉस 2 टेबलस्पून, विनेगर 2 टेबलस्पून, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ बॉइल्ड चिकन। ये मैंने बॉईल कर रखा था चिकन को नमक डालकर। अब इसे श्रेड करके हम इसे मिक्स कर लेंगे इसमें और 5 मिनट तक भून लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ स्लर्पी रेडी कर रखा है पानी और मैदा के साथ। तो चलिए यहाँ स्प्रिंग रोल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्प्रिंग शीट लिया है, ये मैंने खुद घर पर बनाया है। तो देखिए मैंने किस तरह इसे फोल्ड किया है, आप भी ऐसे ट्राई करिएगा। इसी तरह बाकियों को भी बना लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए, और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करूँ। तो देखिए हमारा स्प्रिंग रोल रेडी हो गया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ तेल गरम हो गया है, अब हम इसे एक एक करके डाल देते हैं और दोनों साइड फ्राई कर लेंगे इसे मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए गाइस, हमारा चिकन स्प्रिंग रोल रेडी हो गया है। आप इसे केचप या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो और बहुत टेस्टी होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। टिल देन, खुदा हाफिज़।